हेलो एवरीवन आज का हमारा चैप्टर है धारणीय विकास और पर्यावरण इस चैप्टर में हम पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे और साथ ही पर्यावरण अधोगति और संसाधन अपक्षय के कारणों और प्रभावों पर विश्लेषण भी कर सकेंगे यानी कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है और हमारे संसाधनों का डिग्रेडेशन हो रहा है अपक्षय हो रहा है ये भी इस चैप्टर में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम अगर पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है यानी कि हमारा यदि पर्यावरण ऐसा ही रह जाए जैसा अब है तो भी हम लाखों वर्षों तक हमें जीवन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई परेशानी नहीं आएगी इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है यानी कि पर्यावरण को बिगाड़ने में किसका सबसे ज़्यादा रोल है वो है मानव का मनुष्यों का मनुष्य आधुनिक प्रगत प्रौद्योगिकी की, की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है तो ये इसी लाइन के आधार पर हमारा चैप्टर ये है कि आपको जैसा कि पता भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हम प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर पहले चर्चा कर चुके हैं और अभी तक जो भी हमने आर्थिक विकास किया है हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके लिए हमने काफ़ी कीमत चुकाई है हमने क्या किया है काफ़ी कीमत चुकाई है उसके लिए क्या कीमत चुकाई है सबसे बड़ी बात आती है पर्यावरण की हमने पर्यावरण की गुणवत्ता जो है क्वालिटी जो है उसकी बलि दी है अपने विकास को प्राप्त करने के लिए हमारा जो आर्थिक विकास है उसके लिए अब जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन में जा रहे हैं वैश्वीकरण में जा रहे हैं तो उसका संकल्प क्या है उच्च आर्थिक समृद्धि है यानी कि हमारी आर्थिक समृद्धि हो हमारा आर्थिक विकास हो जैसे जैसे वैसे वैसे हम पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा हमें कि किस प्रकार से ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ इसको प्रभावित कर रही है पर्यावरण को हमारे द्वारा जो हम अपना विकास है उसके पथ को चुनते हैं तो हमें उसके सामने हमारे ये चुनौती आती है कि हम अपने पर्यावरण के महत्व को समझें इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को तीन भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है पर्यावरण की परिभाषा पर्यावरण जो है उसमें समस्त भूमि पर हमारे जितना भी भूमंडल है उसकी विरासत और सभी जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं उसके रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें कुछ अजैविक तत्व आते हैं और सभी जीवित तत्व आते हैं जैसे मनुष्य हैं पक्षी हैं पौधे वन मत्स्य आदि ये सभी किसके भाग हैं पर्यावरण के भाग हैं पर्यावरण चार काम करता है सबसे पहले क्या करता है संसाधनों की पूर्ति करता है कुछ संसाधन होते हैं नवीनीकरण और कुछ होते हैं गैर नवीकरणीय है। नवीकरणीय वो होते हैं जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं कुछ साधन ऐसे होते हैं जो दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते यदि हम उनका एक बार उपयोग कर लें, तो उनका दोबारा बनाना असंभव होता है यहां पर आप देखिए अनेक संसाधन जो है हमारे विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशोषी क्षमता के बाहर हैं अवशोषी क्षमता का क्या अर्थ है पर्यावरण की अपशय को सोखने की योग्यता यानी कि जो हमारा नुकसान हो रहा है पर्यावरण का उसको सोखने की क्षमता इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर हैं हमारे जो विकास हो रहा है हमारा उसमें नदियाँ और जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं या सूख गए हैं विकास के कारण क्या हुआ है या तो नदियों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा है और या वो सूख गई हैं इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया ऐसा होने से क्या हुआ है कि पानी जो है पैसे में बिकने लग गया है और यही हमारे लिए सबसे नुकसान की बात है बात आती है वैश्विक उष्णता की वैश्विक उष्णता वैश्विक उष्णता जो है पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है एवरेज जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो रही है उसे वैश्विक उष्णता कहा जाता है और ये किसके कारण से है ग्रीन हाउस जो गैस है उनके कारण से है और यही कारण है कि हमारा जो निचला वायुमंडल है उसमें तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी होती जा रही है और अभी जो सब चीजें हो रही हैं ये वाली जो वैश्विक उष्णता जो है आ रही है वह है किसके कारण से आ रही है मानव उत्प्रेरित उत्प्रेरित है यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है मानव के द्वारा वन विनाश और जीवाश्म ईंधन के जलाने से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि होती है और यही कारण है कि हमारा वातावरण जो है खराब हो जाता है या जिसे हम प्रदूषण कहते हैं वह हमारे वातावरण में बढ़ जाता है यहां पर हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ते हुए अभी शॉर्ट समरी के रूप में पढ़ रहे हैं अभी आप यहां देखिए वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे वैश्विक उष्णता यानी कि पूरे विश्व में जो उष्णता है वह बढ़ती जा रही है और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है ओजोन परत जो है उसका क्षरण हो रहा है वह टूटती जा रही है लगातार प्रदूषण के कारण तो इससे क्या हुआ है हमारी पूरे विश्व की स्थिति जो है वो गंभीर हो गई है और यही कारण है कि सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ता है और स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है इससे क्या होता है कि लागत जो है वो बढ़ जाती है सरकार की लागत बढ़ जाती है क्योंकि ये प्रभाव जो है इससे बचने के लिए सरकार कुछ प्रयास करती है और यही कारण है कि उसकी अवसर लागत बढ़ जाती है यहाँ प्रश्न ये है कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इस शताब्दी के शुरू से ही आ गई थी यानी कोई इसमें नया नहीं है यदि ऐसा है तो क्यों है इसके लिए हम आगे देखेंगे कि ओजोन परत का अपक्षय हुआ है यहाँ पर आप देखिए ओजोन अपक्षय का अर्थ क्या है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी ओजोन अपक्षय की समस्या के कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। ये इन दोनों गैसों के स्तर कैसे हैं ऊंचे हैं और इन यौगिकों के मूल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सी एफ सी जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामकों में यानी आग को बुझाने वाले में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है और ओजोन का जो अपक्षय हो रहा है उससे क्या होता है अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी की ओर आती हैं और इससे हमारे जीवों का नुकसान होता है सबसे बड़ा नुकसान है मनुष्यों की त्वचा में कैंसर होना और ये एक बड़ी विश्व का हमारे लिए चिंता का विषय बन चुका है हमारे यूवी की किरणें जो हैं आ रही हैं इसमें क्षय के कारण ओजोन के अपक्षय के कारण तो हमारे लिए पूरे संसार के लिए है चिंता का विषय बन चुका है शुरू के दिनों में हमारी सभ्यता जब शुरू हुई थी और जनसंख्या में ये जो वृद्धि है ये नहीं हुई थी इसमें जो पूर्व और देशों के द्वारा औद्योगिकरण अपनाने से पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग जो थी वो पूरी तरह से अब उलट गए हैं अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है इसकी मांग अधिक है पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है यहाँ पर आप देखिए इस वाले चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वन का कटाव किया गया है और भूमि का क्षरण हो रहा है अपक्षय हो रहा है जैव विविधता की क्षति हो रही है और साथ ही वायु प्रदूषण भी हो रहा है इसी कारण से क्योंकि पेड़ काटे गए हैं अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इनकी पूर्ति सीमित है यानी कि सप्लाई जो है वह है लिमिटेड है पूर्ति है ही नहीं और जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग भी होगा जब कोई सामान बने नहीं जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होने लग जाते हैं और प्राइस जब इंक्रीज़ होते हैं तो उसका हम उपयोग भी बढ़ा देते हैं वस्तुओं में और उसका दुरुपयोग फिर शुरू हो जाता है ये इनमें कोरिलेशन होता है सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा उपयोग भी ज़्यादा तो दुरुपयोग भी ज़्यादा क्योंकि अवेलेबल नहीं है सप्लाई कम है इसीलिए लिए यहाँ पर आप ये सब सारी समस्याएं जो है उनको देख सकते हो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इंक्रीज होने लग जाती हैं भारत की पर्यावरण की स्थिति बात की बात कर रहे हैं तो भूमि की उच्च गुणवत्ता सैकड़ों नदियाँ उप नदियाँ हरे भरे बन हैं जो भूमि के नीचे की सतह है उसमें कुछ खनिज पदार्थ है या हिंद महासागर का हमारा जो बड़ा क्षेत्र है उसमें पहाड़ों की श्रृंखला आदि हैं पास में जो है वो सब क्या है ये ये हमारे भारत के प्राकृतिक संसाधन हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सब और दक्षिण के पठार की काली मिट्टी ये कपास के लिए काम में ली जाती है इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधन भारत में पाए जाते हैं वनों के रूप में भी लवण के रूप में भी खनिज लवण के रूप में भी प्राकृतिक गैस के रूप में भी पाए जाते हैं और समस्त विश्व में लोह आयस की बात करें तो हमारे पास बीस प्रतिशत ये उपलब्ध है यानी कि भारत में विभिन्न भागों में बॉक्साइट तांबा क्रोमेट ये सब खनिज लवण भी पाए जाते हैं यहाँ पर मेन मेन जो नाम है भारत में विकास की गतिविधियों की बात करें तो सीमित प्राकृतिक संसाधन यानि कि लिमिटेड है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं लिमिटेड है और उन पर पूरा प्रेशर आ रहा है भारत का विकास तो हो रहा है लेकिन सारा प्रेशर किस पे आ रहा है लिमिट संसाधनों पर आ रहा है और यही मनुष्य के लिए चिंता का विषय है यानी कि एक तरफ तो हम विकास की ओर जा रहे हैं दूसरा उस विकास के कारण जो हमारा पर्यावरण के प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है एक गरीबी के कारण पर्यावरण का अपशय हो रहा है तो दूसरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं विकास और पर्यावरण प्रदूषण हमें देखने में लगता है कि हम विकसित हो चुके हैं लेकिन उसका परिणाम हमें क्या मिल रहा है हमें परिणाम मिल रहा है पर्यावरण प्रदूषण के रूप में यानी कि अगर वास्तविक रूप से हम देखें दोनों की तुलना करें तो हम अपना जो हमें मिल रहा है जो हम गेन कर रहे हैं वो हमारा कम है और जो लॉस हो रहा है वो हमारा ज़्यादा है ये हमारा आर्थिक विकास है जो हमें प्राप्त हो रहा है दिखाई भ्रम है ये हमारा कि हम विकसित हो रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है यानी कि हम विकसित नहीं हो रहे हैं अगर इसको इस दृष्टिकोण से सोचा जाए क्योंकि जो संसाधन है वो लिमिटेड है उनका दुरुपयोग हो रहा है दोहन हो रहा है और वो रिन्यूएबल नहीं है तो ये हमारे लिए एक बड़े नुकसान की बात हो सकती है आपको चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना भी होगा चिपको आंदोलन क्या था चिपको आंदोलन हिमालय के वनों का संरक्षण जो था उसका उद्देश्य यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग वनों से चिपक करके उन्हें काटने से बचाया करते थे कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर इसका नाम अप है जिसका अर्थ है बाहों में भरना इसमें आप सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो आ, एक बार उन्नीस में सिरसी जिले के सल्कानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे तो 160 स्त्री पुरुषों ने बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को काफी समय तक पहरेदारी करते रहे और 12000 पेड़ों को उन्होंने बचाया था ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक टोक कटाई से हमारा पर्यावरण अनेक समस्याओं के से घिर जाता है उत्तर कन्नड़ा क्षेत्र में एक कागज मिल बनाने के बारह साल बाद उस क्षेत्र में बांस के पेड़ जो थे वो विलुप्त हो गए यानी बिल्कुल फिनिश हो गए वो उन सारे पेड़ों को काट दिया गया था अब को स्वयं सेवक वन अधिकारियों से चाहते हैं कि वे कुछ नियमों का पालन करें यानी कि ऐसे पेड़ों को ना काटा जाए जो जल स्रोत के 100 मीटर के क्षेत्र में आते हैं तो चिपको आंदोलन इस प्रकार से पेड़ों को बचाने का एक आंदोलन था जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ यहाँ पर आप देखो भारत विश्व जनसंख्या के लगभग सत्रह प्रतिशत और विश्व पशुधन पर, के बीस प्रतिशत को जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है हमारा उसके टू पॉइंट फाइव परसेंट क्षेत्र में आश्रय देता है भूमि का अपशय जो हो रहा है उसके क्या कारण है सबसे पहला है वन विनाश वनस्पति की हानि हो रही है वन का विकास हो वन का विनाश जो हो रहा है उससे हमारी वनस्पतियाँ भी हानि की ओर जा रही हैं अधारणीय है जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण कई बार जलाने की लकड़ी के लिए भी हम वनों को काट देते हैं खेती करने के लिए और वन भूमि का अतिक्रमण हो जाता है इसलिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है वनों में आग लग जाती है और अत्यधिक चराई करने से भी वन खत्म हो जाते हैं भू संरक्षण हेतु समुचित उपाय नहीं अपनाए जाएं तो भी हमारे वन खत्म हो रहे हैं अनुचित फसल चक्र ज़्यादा फसल लेने के लिए अनुचित फसल चक्र का उपयोग भी हमारे यहाँ के वनों को खत्म कर रहा है कृषि रसायन रासायनिक खाद आदि का प्रयोग भी इसके ऊपर विपरीत प्रभाव हमारा प्रस्तुत करता है सिंचाई व्यवस्था का नियोजन और अविवेकपूर्ण प्रबंध सिंचाई व्यवस्था का अविवेकपूर्ण प्रबंध क्या होता है सही तरीके से सिंचाई ना करना और भूमि के जल का पूरी क्षमता से अधिक निकालना दोहन करना भी यही कारण है कि हमारी भूमि जो है वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है अपक्षरण हो रहा है भूमि का अपक्षरण हो रहा है तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत बहुत अधिक नुकसानकारी है हानिकारक है उसके बाद ये देखो हमने बात कर ली प्रदूषण की अभी हम ये कहते हैं कि इस सब समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया तो सरकार ने किया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्माण और ये बनाया गया 1974 में एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सी पी सी बी ये बोर्ड जल वायु भूमि आदि की सभी सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं ये व्यापार विकास निकास और उत्सर्जन के मानक यानी कि किस आधार पर जो चीज़ें हैं उनके स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हैं ये बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण और कमी के लिए जल धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं क्या करते हैं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और ये और भी जो समस्याएं हैं वायु की और जल के प्रदूषण की उन पर भी रिसर्च भी करते हैं और उन्हें सही करने के प्रयास भी करते हैं उद्योगों के विनियमन करते हैं कि उन पर नियंत्रण रखा जाए कि वो वातावरण को प्रदूषित ना करेंगे गुणवत्ता की बात करें किसी गुणवत्ता की देखरेख करते हैं तो जो नदी नालों के पास के कारखाने हैं सिंचाई विभाग में जाइए और जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं उनका विवरण इकट्ठा कीजिए इसी तरह से समाचार पत्रों में भी आप देख करके पता लगा सकते हो कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं उसके बाद हम बात करते हैं धारणीय विकास की देखो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपको ये शुरू में भी हमने बताया था और दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक भी हैं। पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास अभी हमने बात की थी हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है लेकिन पर्यावरण जो है पोल्यूटेड होता जा रहा है दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो इससे क्या होगा पर्यावरण का विनाश होगा जो जीवन को धारण करता है पर्यावरण पे क्या है हमारा जीवन टिका हुआ है तो हमारा विकास जो है कैसा होना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जीवन की गुणवत्ता प्रदान करे ना कि उन्हें प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर कर दे और यही विकास क्या कहा जाता है धारणीय विकास यानी ऐसा विकास होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को समझौता ना करना पड़े इसी परिभाषा को आप पढ़ के देखो आवश्यकता और भावी पीढ़ियाँ ये दो चीज़ें इसका पूरा वर्णन करती हैं जिसे हम धारणीय विकास कहते हैं अगर हम इसकी बात करें बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी जिससे आय वास्तविकाय शैक्षिक सेवाएं स्वास्थ्य देखभाल सफाई जल पूर्ति इत्यादि के रूप में मापा जा सकता है हम विकास को कैसे माप सकते हैं धार्मिक विकास को कैसे माप सकते हैं इस तरह से ये सब अगर बढ़ता है तो हमारे जो लोग हैं उनका विकास हो रहा है और इसका लक्ष्य क्या होता है गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें सुरक्षित जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करना यानी कि इन सब लोगों को रोजगार मिले भोजन ये सब सामान मिले ये क्या हो गया कैसा विकास है धारणीय विकास है यानी कि हम ऐसा विकास करें जिससे अधिकतम लोगों को ये सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका रिजल्ट ना भोगना पड़े हमारे विकास का बुरा परिणाम ना भोगना पड़े धारणीय विकास की रणनीतियाँ क्या हैं? सबसे पहले आता है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए रणनीति का तात्पर्य क्या है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छा विकास प्राप्त कर सकें तो सबसे पहला उपाय है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है यानी जो पुराने जमाने में जो स्रोत नहीं थे उसके बजाय जो नए नए स्रोत हैं उनका हम प्रयोग करें जैसे अभी सौर किरणें चल रही हैं सौर ऊर्जा की बात चल रही है गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं ये सब कैसे हैं ये सब क्या चीज़ें हैं पारंपरिक से हटकर हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने ऊर्जा को बचा सकते हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं जैविक ईंधन का प्रयोग हम कर सकते हैं इससे वनों के कटाव में कमी आएगी और गोबर का हम गोबर गैस बनाने में प्रयोग ला सकते हैं शहरी क्षेत्रों में सी जो है उच्च दाब प्राकृतिक गैस सी को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जैसा कि आप जानते हो और यही कारण है कि अभी वहाँ पर वातावरण पहले के मुकाबले काफी स्वच्छ होने लग गया है पवन चक्की से बिजली बनाए वायु शक्ति का हम प्रयोग करें तो भी ये कर सकते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो भी हम अपने विकास को धारणीय बना सकते हैं साथ ही लघु जलीय प्लांट जो हैं पहाड़ी इलाकों में झरने आदि मिलते हैं उनसे भी हम ऊर्जा बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं और हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो है बच जाए नुकसान से बच जाए ग्रामीण विरासत को हानि ना हो और हम अपने पर्यावरण पर ध्यान दें जो हमारा प्राचीन समय था उसमें पारंपरिक ज्ञान जो था उस पर हमारा ध्यान हमें देना होगा कुछ पारंपरिक तरीके थे इलाज के जैसे आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बती और इनको हम वापस अपना करके पर्यावरण को बचा सकते हैं इसी प्रकार से जैविक खाद का प्रयोग किया जा सकता है यानी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग भी हम कर सकते हैं जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग हम कर सकते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायता करेंगे जैसे सांप चूहे अनेक प्रकार के कीड़े खा जाते हैं उल्लू मोर आदि पक्षी हानिकारक कीट का भक्षण कर लेते हैं तो यदि हमें इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें यदि हम इन्हें तो काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे जो बिल्कुल प्राकृतिक एक तरीका है और हमें इनकी कीमत को समझना चाहिए आजकल हम बात करें तो ये हमारा विकास जो है धारणीय विकास जिसे कहा जाता है यानी कि जो विकास हो रहा वो सही तरीके से होना चाहिए ये धारणा काफी लोकप्रिय होती जा रही है और निष्कर्ष की बात करें तो आर्थिक विकास थे जिसका लक्ष्य क्या है बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनके लिए वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ाना इससे क्या होगा पर्यावरण पर दबाव पड़ता है विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग पूर्ति से कम थी पहले तो क्या था कि मांग नहीं थी और पूर्ति ज़्यादा थी लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया इनकी मांग बढ़ती गई संसाधनों की मांग बढ़ती गई और पूर्ति थी नहीं पूर्ति ना होने से हमने पहले भी बताया इसका दुरुपयोग होने लगा और इसी कारण से हम धारणीय विकास से दूर हटते गए और धारणीय विकास का लक्ष्य क्या है कि हमारा उस प्रकार के विकास का बढ़ावा मिले जो कि पर्यावरण समस्याओं को कम करे ये लाइन आप अच्छे से याद कर लो धारणीय विकास क्या है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए उस प्रकार का विकास और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें कोई भी समझौता ना करना पड़े और यही उसके आधार पर हमारा जो अभी का जीवन है उसको पूरा करे ये है हमारा इसका निष्कर्ष पूरे पाठ का ये आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हो मैंने रिवीजन के लिए आपको ये यह सब यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो आज का हमारा चैप्टर ये है जिसमें हमें इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ जो साथी आपके पढ़ाई करते हैं उन्हें भी शेयर कीजिए साथ ही लाइक भी कर सकते हो यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा है थैंक यू फॉर वॉचिंग